राजस्थान में मचे सियासी घमासान को लेकर हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनाई पूरी हो गई। अब इस मामले को कोर्ट 24 जुलाई को अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई भी कार्रवाई ना किए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी कोर्ट के फैसले से पहले हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश कर ली है। सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत की सरकार अगले कुछ दिनों में ही फ्लोर टेस्ट का दांव चल सकती है। पार्टी जल्द ही फ्लोर टेस्ट करवाना चाहती है, जिससे इस विवाद को जल्द खत्म किया जा सके। पार्टी को भरोसा है कि अशोक गहलोत की सरकार बहुमत हासिल करने में सफल होगी, लेकिन डर इस बात का है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो सरकार अपना किला ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगी, इसलिए अब फ्लोर टेस्ट पर फोकस है। बता दें कि सचिन पायलट और उनके समर्थन विधायकों की बगावत के बाद अशोक गहलोत ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। गहलोत की कोशिश पायलट गुट के कुछ विधायकों को अपनी ओर करना चाहते थे, लेकिन अब जब आंकड़ा बहुमत के लगभग बराबर ही है तो कांग्रेस को चिंता है कि कहीं अंतिम वक्त में कोई विधायक धोखा न दे दे। मौजूदा समय में राजस्थान में बहुमत के लिए 101 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वहीं गहलोत 102 से अधिक विधायक होने का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान सीएम अशोक गहलोत के निकम्मे वाले बयान को लेकर काफी नाराज है। हाईकमान का मानना है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वह गैर जरूरी था।